अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA असाइनमेंट्स। आज जो सॉल्व असाइनमेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दैट इज़ 456 कोड, बिजनेस टैक्सेशन का कोड है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम आ जाएँ तो लीगल टर्म्स कुछ गिवन है जो कि टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हिसाब से आपने डिफाइन करनी है, जिसमें नंबर ए पे है कैपिटल असेट, उसको डिफाइन करने के बाद आप बी पे मूव करेंगे इनकम, दैट व्हाट इज इनकम अकॉर्डिंग टू द टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। मूविंग टू द सी पार्ट दैट इज द टर्नओवर, यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज टर्नओवर। और नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग जो सेक्शन 3 है इसका ऑर्डिनेंस का, उसके हिसाब से ये किस तरह डिफाइन किया गया वो मैंने इसमें क्लियरली गिवन है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मॉल कंपनी, और इसी तरह स्मॉल कंपनी भी जो कंपनीज एक्ट्स हैं या ऑर्डिनेंस 2001 है उसके हिसाब से उसका क्या उसकी कंडीशंस हैं, क्या क्लॉजेस हैं, वो मैंने प्रोवाइड किया आपको। नेक्स्ट इज़ रॉयल्टी एंड देन इनटैंगिबल। इनटैंगिबल क्या होता है कि कोई भी एसेट जो कि फिजिकल सब्सटेंस उसमें ना हो, ठीक है, फिजिकल सब्सटेंस उसको लैक करे। देन आई पार्ट इज टैक्सीयर। टैक्सीयर का मतलब है कि जो भी कोई स्पेशल टैक्सीयर होगा ना वो, फॉर एग्जांपल अगर जैसा मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी है कि अगर आप टैक्सेस प्रिपेयर कर रहे हैं 2016 के मार्च के तो उसका टैक्सेबल ईयर होगा 2015 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं जिसमें डिफरेंट हेड्स आपने डिफाइन करने थे। द फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एज पर द प्रोविजन ऑफ टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसको मैंने ये सेक्शन के हिसाब से डिस्क्राइब किया जो भी 2001 ऑर्डिनेंस में इसके बारे में गिवन है, डिफरेंट सब सेक्शंस और सेक्शंस में उसकी कंप्लीट इधर डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। आप चाहें तो इसे पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, बट इट बेटर टू राइट 10 पॉइंट्स एज ही क्योंकि ज़्यादा क्लियर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। कुछ मेन पॉइंट्स भी प्रोवाइड किए हैं जिनको लेकर आप जिनकी सब हेडिंग्स भी आप बना सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी किस तरह कैलकुलेट होती है कि डिफरेंट टैक्सेस गिवन होते हैं और उसकी बेसिस पे आपको उसको कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर मिस्टर साहिर की टैक्स लायबिलिटी क्लियर कैलकुलेट करनी थी जो कि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन आपको शो की हुई है। अगर कैलकुलेशन में कोई भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको सपोज करना है कि आप एक स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और उसके बाद आप फिर किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, उसके टैक्सेस को और हर चीज़ को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है, वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन गिवन है। उसके अलावा इनकम कितनी होगी तो आपको टैक्स उस पर कितना पे करना पड़ेगा, वो डिटेल्स आपने इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रोवाइड कर देनी है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव टू डिफाइन अबाउट एग्जम्प्ट इनकम, ठीक है। एग्जम्प्ट इनकम क्या होती है, और ये पूरी असाइनमेंट जो है आपकी वो टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बेसिस पे आपको आपसे आंसर्स मांगे गए हैं, तो आप उसी के हिसाब से आंसर करेंगे। इसकी जनरल डेफिनेशंस नहीं लिखेंगे इसकी किसी भी टर्म की, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि इनकम टैक्स या इंटेंजिबल जो भी थी उनकी आपने जनरल डेफिनेशंस नहीं लिखनी, बल्कि टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हिसाब से जिस तरह से उन्हें डिफाइन किया गया वो आपने उनको उस तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक्सप्लेनेशन भी। मज़ीद अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।